हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में और मैं हूँ सवालों से देती। जनपद बुलंदशहर में अखिल भारतीय साहित्य परिषद सारस्वत सम्मान एवं दोहा संग्रह विमोचन समारोह का आयोजित किया गया, जिसमें अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर आलोक व सह सचिव धर्मेंद्र कुमार शर्मा का विशेष योगदान रहा। समारोह में संस्थान से जुड़े सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार रखे। अखिल भारतीय साहित्य की सचिव संगीता अहलावत द्वारा प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे नगर के माननीय व्यक्तियों का दोहा संग्रह विमोचन पुस्तक व मेमेंटो भेज कर स्वागत किया गया, जिसमें व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा हिमांशु मित्तल व कई मान्यवर लोगों द्वारा संगीता अहलावत को भी शुभकामनाएं दी गयी। इसके अलावा पत्रकार हरि अंगीरा, जावेद खान, मौलिक भूचानी, प्रदीप तोमर को विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसलिए हम सब यहाँ पर ज्यादा समय मैं नहीं काटता हूँ, आप सबके दर्शन करने के लिए थोड़ा लाभार्थी हूँ, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। आज की विषम परिस्थितियां जो सामने चल रही है, उन पर अगर विचार आप करें तो उसमें सबसे मुख्य जो समस्या है वो यह है, पिछले 500 सालों से हम अपनी हिंदी मातृभाषा को भूले हुए हैं, जिसको यथार्थ लाभ की कोशिश की जा रही है। और इसके लिए जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पैदा हुई है, ये हमारा क्वेश्चन जो मैथोलॉजी है उसने पैदा की हुई है, उसी से हम परेशान हैं। और वो क्वेश्चन मैथोलॉजी है, हमको कंट्रोल कर रही है, ऊपर तक नीचे नहीं, ऊपर तक कंट्रोल कर रही है, और वो अपने हिसाब से सबको डाल रही है। उस धारणे से बचना है तो हमको हिंदी साहित्य को जिंदा रखना पड़ेगा, और हिंदी साहित्य को जिंदा रखने के लिए आप जैसे महानुभाव का सहयोग होगा, तभी हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, चला सकते हैं। तो उसमें आप जैसे लोगों का धन्यवाद। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।